छत्रपति शिवाजी महाराज ने जब लाल महल पर हमला बोला और शाइस्ता खान की तीन उंगली काट दी, तब शाइस्ता खान की बहन भागते भागते आई और शाइस्ता खान को बोलती है, तुम्हारी भांजी कहीं मिल नहीं रही है, पता नहीं कहाँ गई। तब शाइस्ता खान बोलता है, देखो यहीं पर कहीं होगी, आसपास ढूंढो, कहीं ना कहीं होगी। तब उसकी बहन बोलती है, नहीं मेरी बेटी कहीं नहीं मिल रही है, लगता है शिवाजी महाराज की सेना ने मेरी बेटी को उठा के लेके चले गए। तब शाइस्ता खान कहता है, छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना कुछ भी कर सकती है, लेकिन किसी औरत के इज्जत पे कभी हाथ नहीं डाल सकती है। लाल महल को शाहजी राजे भोसले ने 1630 में बनवाया था। शाहजी राजे भोसले छत्रपति शिवाजी महाराज के पिताजी थे। शाहजी राजे भोसले ने अपनी फैमिली के लिए ये लाल महल बनवाया था। छत्रपति शिवाजी महाराज का ज़्यादातर बचपन इसी लाल महल में बीता था। 1660 में शाइस्ता खान ने पुणे और लाल महल पर धोखे से कब्जा कर लिया था और लाल महल में ही अपने बीवी, बच्चों और अपनी 1,00,000 सेना के साथ रहने लगा। अब छत्रपति शिवाजी महाराज को इसका बदला लेना था। छत्रपति शिवाजी महाराज गोरिल्ला लड़ाई में बहुत माहिर थे, तो फिर क्या, छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपनी 400 सेना के साथ रात में लाल महल पर हमला बोल दिया। छत्रपति शिवाजी महाराज शाइस्ता खान के कमरे के बाहर पहुँचे और अपनी तलवार से पर्दे को फाड़ दिया। सामने ही शाइस्ता खान अपनी बीवी के साथ सोया था और बहुत ज़्यादा कांप रहा था, क्योंकि उसको पता चल गया था अब मेरी मौत आ चुकी है। और उसी वक्त शाइस्ता खान की बीवी ने दीपक को बुझा दिया। शाइस्ता खान ने न आओ देखा न ताओ देखा, अपनी बीवी को छोड़ के सीधा खिड़की से नीचे कूद गया। पर तब तक छत्रपति शिवाजी महाराज की तलवार चल चुकी थी और शाइस्ता खान की तीन उंगलियां कट चुकी थी। अंधेरे के वजह से शाइस्ता खान बच के निकल गया और लाल महल छोड़ के भाग गया। और महाराज के 400 की सेना के सामने शाइस्ता खान और उसकी 1,00,000 सेना कुछ ना कर सकी। इस लाल महल में आपको बहुत सारे पेंटिंग भी देखने को मिलेंगे, जैसे कि छत्रपति शिवाजी महाराज 15 साल की उम्र में शिवलिंग के सामने अपने दोस्तों को स्वराज की शपथ दिला रहे हैं। वहीं पर आप देख सकते हो कि छत्रपति शिवाजी महाराज हाथ जोड़कर लोगों को खाने के लिए अनाज, पहनने के लिए कपड़े दे रहे हैं, यहाँ तक कि किसान को खेती करने के लिए बैलगाड़ी भी दे रहे हैं। बाकी बहुत सारे अच्छे अच्छे यहाँ पर पेंटिंग है, आप यहाँ पर आके देख सकते हो।